गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करेंट अफेयर्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज की, जो भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अपकमिंग CDPO प्लस BPSC एग्ज़ाम के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो या तो आप हमारी वो लाइव वीडियो जा कर के देख लीजिए जो अनाउंसमेंट वीडियो है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ, अगर 1 फेब से पहले आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो 1199 में आपको ये कोर्स पढ़ रहा है। अगर 1 फेब के बाद अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो 1999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज की। जनवरी 2021 में जो हमने सेलिब्रेट किया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 9 जनवरी को हमने मनाया प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया? प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को अगेन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो 10 जनवरी को दो चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, एक तो वर्ल्ड हिंदी डे और दूसरा वर्ल्ड लाफ्टर डे। 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है हमारा, एंड 30 जनवरी को मार्टर्स डे और वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी में 4 फरवरी को हमने मनाया वर्ल्ड कैंसर डे। 14 फरवरी को हमने मनाया वैलेंटाइंस डे। 20 फरवरी को हमने मनाया वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, और 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, 21 फरवरी वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। बात करते हैं मार्च के दिन की। तो 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 3 फरवरी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे और बिहार दिवस। ठीक है, ये दोनों इसी सेम डे को मनाया जाता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे और बिहार डे। 23 मार्च वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे। 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, एंड 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। बात करते हैं अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, एंड 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो अप्रैल के कुछ देख लेते हैं, कुछ अगेन इंपॉर्टेंट डेज को। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, और 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब बात करते हैं मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो 1 मई इंटरनेशनल वर्कर्स डे, मजदूर दिवस। 3 मई इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। 7 मई वर्ल्ड अस्थमा डे, एंड 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 12 मई इंटरनेशनल नर्सेस डे। 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज।
सॉरी क्या मैंने बोला, 12th में इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है, 15th में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, और हाँ 21st में एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 21st में एंटी टेररिज्म डे एंड 31st मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो 31st मई। अब बात करते हैं जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो जून में 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून वर्ल्ड ओशंस डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून। लेट्स डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे एंड जीएसटी डे, ओके, डॉक्टर्स डे एंड जीएसटी डे 1 जुलाई। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 19 जुलाई बैंक नेशनलाइजेशन डे, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। उसके बाद है अगस्त, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, फिर से 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो 12 अगस्त को दो चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, एक तो इंटरनेशनल यूथ डे एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे, दोनों 12 अगस्त या अगस्त को। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे इंडिया का, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, एंड 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। सितंबर की बात करते हैं तो 5 सितंबर टीचर्स डे मनाते हैं, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सितंबर 16 को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, एंड 21 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड पीस डे। उसके बाद और कुछ है सितंबर में, 27 सितंबर को है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 29 सितंबर को है वर्ल्ड हार्ट डे। नाउ डिस्कस अबाउट अक्टूबर्स डेट, तो अक्टूबर में हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद है वर्ल्ड एनिमल डे 3 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे, तो 5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे एंड 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। उसके बाद है 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे, 11 सितंबर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 14 सितंबर वर्ल्ड, अच्छा देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मना रहे थे, तो 24 जनवरी को मना रहे थे, और वहीं पे जो अक्टूबर में हम मना रहे हैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर, ठीक है। 14 अक्टूबर को क्या था, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, और 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी। तो ये दो चीज़ें 31 अक्टूबर को है, क्या क्या, नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे, एंड इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी भी मनाते हैं हम 31 अक्टूबर को। उसके बाद है नवंबर में क्या क्या मनाते हैं, तो 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर नेशनल बर्ड डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे एंड वर्ल्ड डायबिटीज डे, 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे। उसके बाद है वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये क्या मनाते हैं, 19
19 नवंबर एंड 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, उसके बाद 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, और 26 नवंबर को ही मनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, उसके बाद है, तो ये क्यों मनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था, हमने अपने आप को क्या सौंपा था, कॉन्स्टिट्यूशन सौंपा था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़े ना प्रियम्बल, तो आपको साफ साफ उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। दिसंबर की बात करते हैं, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 4 दिसंबर क्या मनाते हैं, इंडियन नेवी डे, 5 दिसंबर मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, 10 नवंबर, सॉरी मैं बार बार नवंबर बोल रहा हूँ, 10 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 14 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्ल्ड एनर्जी डे, 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस, 24 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे, और 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। तो ये कुछ डेज थे जो कि जनवरी से दिसंबर तक का हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप लोग एक एक भी शेयर करेंगे तो एक एक से 1,000 हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें कीजिए, हर वीडियो में मैं कहता हूँ, लेकिन आप कभी भी शेयर नहीं करते, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर बिना सब्सक्राइब के देख के चले जाते हैं तो फिर ये तो और भी ज़्यादा गलत बात है। बाकी बीपीएससी प्लस सीडीपीओ कोर्स के लिए मैंने बता दिया, कुछ और इंडिविजुअल कोर्स हमारे चल रहे हैं, जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव एंड लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, उसके अलावा क्राउन सब्जेक्टिव का, राकेश यादव का भी कोर्स चल रहा है, जीके का, राकेश यादव जीएस। तो इन कोर्सेज को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज आपको 500 पर कोर्सेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कंबाइंड कोर्सेज लेते हैं तो आपको 500 500 500 ये ऐड होके कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि दो कोर्सेज लेते हैं तो 1,000 नहीं लगेंगे, कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका पता आप हमें मैसेज करके इंक्वायरी करते समय समय पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।